से ठीक कर दिया है। लेकिन न तो हमारी सरकारें हमारी गैया पर कुछ शुद्ध लेती है और न करती है, यानी घर के लोग घर की गैया कुछ भी कर दे उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक विदेशी अगर एक तिनका भी खड़ा कर दे तो दुनिया में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और ये ऐसे हमारे गव्य सिद्धरों ने यह काम करके दिखाया है जो किसी दूसरे क्षेत्र के थे। हमारे यहाँ जो गुरुकुल में और जितने भी गुरुकुल विस्तार हैं इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग पढ़ाई पढ़ने आते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग आते हैं, आईटी सेक्टर के क्षेत्र के लोग आते हैं, शेयर मार्केट लोग छोड़ करके आते हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनका पुराना क्षेत्र डूब रहा है तब वे गायकी शरण में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चिकित्सा विज्ञान पढ़ करके आने वाले लोग केवल 2% होते हैं। केवल 2% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से किसी भी विधा के डॉक्टर हैं, चाहे तो MBBS हैं, BAMS हैं, BHMS हैं, BSMS हैं, इस तरह के लोग केवल 2% होते हैं। लेकिन उसमें 98% ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं और पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं। तो दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ही थैलेसीमिया नाम की बीमारी को साध्य करके दिखला दिया। और इसकी के साथ जो मेरी धारणा अब बनी है कि शायद आने वाले दिनों में अगर कोई और भी ऐसी बीमारी हुई तब भी हमारी गैया हमें निराश नहीं करेगी, कारण जिन 5 कंपाउंड एलिमेंट से यह शरीर बना है ये सारे 5 कंपाउंड एलिमेंट्स गाय के पास है। गोबर हमारे शरीर का मिट्टी वाला कंपाउंड एलिमेंट है, मूत्र हमारे शरीर का वायु वाला कंपाउंड एलिमेंट है, उसका दूध हमारे शरीर का जल वाला कंपाउंड एलिमेंट है, और गैया के दूध से निकला हुआ तूप हमारे शरीर के अंदर प्रज्वलित अग्नि है, और गैया का छाछ हमारे मस्तिष्क की चेतना वाला आकाशीय कंपाउंड एलिमेंट है। तो जिन 5 कंपाउंड एलिमेंट से शरीर बना है सारा कंपाउंड एलिमेंट गाय के पास है। तो गाय हमें कैसे निराश कर सकती है? बिल्कुल निराश नहीं कर सकती है। दुनिया में आने वाले दिनों में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 100 साल के बाद भी अगर कोई ऐसी दुर्लभ बीमारी आती है तब भी वह इन्हीं 5 कंपाउंड एलिमेंट का डिसऑर्डर होगा, क्योंकि इस शरीर में छठा कुछ है नहीं। और इन्हीं 5 कंपाउंड एलिमेंट के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए गैया का 3 गव्य और ऋषियों द्वारा शोध किया हुआ 2 गव्य, तूप और ताक, 5। तो इन 5 से दुनिया की कोई बीमारी बच नहीं सकती। यह प्रकृति के द्वारा दिया गया अद्भुत अमृत है हमारे जीवन के लिए, भारतवासियों के लिए। और हम भारतवासी देखो समझें या ना समझें, जिन देशों को हम कहते हैं कि बड़े जागरूक हैं, विकसित हैं, उन देशों ने हमारी गैया को बसाने का काम अपने राष्ट्रों में शुरू कर दिया है। जिस दिन से अमेरिका महादेश को लगा कि भारतीय नस्ल की गाय ही निरोगी जीवन दे सकती है, पंच महाभूतों के संतुलन को बना सकती है, वायु के प्रदूषण को ठीक कर सकती है, जल के प्रदूषण को ठीक कर सकती है, आकाशीय तरंगों को संतुलित कर सकती है, उस दिन से यह राष्ट्र भारत से भारतीय नस्ल की गाय को ले जाना शुरू किया है और अपने यहाँ उसको विकसित करना शुरू किया है। आप सबको ये माहिती होगी कि भारत में आज जितनी गीर गाय है इससे ज़्यादा तो अमरीका महादेश में गीर गाय ज़्यादा है। आखिर अमेरिका महादेश को कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी जो भारतीय नस्ल की गाय पर उन्होंने काम करना शुरू किया? वो इसीलिए कि जो विज्ञान है गाय का, अद्भुत जो विज्ञान है, अमृत देने वाला जो गाय का विज्ञान है, इस विज्ञान को अमेरिका जैसे महादेशों ने आज से 30 साल पहले समझ लिया था। यूरोप के बहुत सारे देशों ने आज से 30 साल पहले इस विषय को समझा था कि गैया का जो तूप है, इस तूप को अगर 10 ग्राम इस तूप को अगर अग्नि में समर्पित कर दो तो उसमें 1000 किलो ऑक्सीजन कन्वर्शन होता है। इसको आज नहीं, 30 साल पहले रूस के वैज्ञानिकों ने करके देख लिया। अभी हमने अपने परिवेश में इस पर जो
करके देखा प्रयोग, जो गणित निकाला तब तो मुझे अद्भुत लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी गैया का 10 ग्राम तूप अगर अग्नि को समर्पित हो जाए तब 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्शन होता है। यह 1600 किलो ऑक्सीजन अगर आपके घर में प्रतिदिन बनता हो, मान लो कि आप अपने घर में 1 चम्मच घी यानी 10 मिलीग्राम घी अगर दीपक के माध्यम से प्रतिदिन अपने घर में जलाते हो और उस ज्योत से अगर 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्शन अगर आपके घर में हो रहा है और उस घर में आप शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हो, यानी अपने जीवन के 24 घंटे में 16 घंटे आप इतना ज्यादा हाई डेंसिटी ऑक्सीजन एनवायरमेंट में अगर आप अपना जीवन बिता रहे हो तो बाहर निकलने के बाद भले ही ऑक्सीजन की कमी हो आपके शरीर में कोई हानि नहीं हो सकती है। इतना अद्भुत, और इतना अद्भुत गाय का तूप, इसको यूरोप के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका महादेश के वैज्ञानिकों ने 30 साल पहले समझा। समझने के बाद उनको भारतीय गाय को बचाने के लिए वातावरण तैयार करने में 20 साल लग गए, और तब जाकर के वहां की सरकारों में समझ बनी कि चाहे भारत की ही गाय हो, वायु तो जीने के लिए चाहिए, जल तो जीने के लिए चाहिए, मिट्टी तो जीने के लिए चाहिए, जो कुछ भी हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जहर परोसा है धरती के ऊपर, यह धरती के ऊपर जो यूरिया डीएपी और सुपर फास्फेट का जो युग है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बहुत सारा रसायन बच गया था युद्ध करने के बाद से, उसी रसायन को मार्केटिंग देने के लिए, बेचने के लिए रासायनिक कृषि का जो प्रोपेगंडा हमारी सरकारों ने और विदेश की सरकारों ने किया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो मार है वो आज हम झेल रहे हैं, और उससे अगर निकलना है चाहे भारत राष्ट्र को, यूरोप राष्ट्र को या अमेरिकन राष्ट्र को, तो एक ही रास्ता बचता है कि इस गाय का संवर्धन होना चाहिए, इस गाय का फिर से जो है पुनः विकास होना चाहिए, भारत के हर घरों में होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तभी जाकर के हम सभी भारतवासी जो हैं पूरी तरह से निरोगी जीवन जी सकेंगे। अब इसमें चाहे मिट्टी भले ही प्रदूषण युक्त हो, जल चाहे भले ही प्रदूषण युक्त हो, या अनाज चाहे विषयुक्त हो, अगर हमने अपने जीवन में प्रतिदिन 5 गव्य का सेवन कर लिया तो सारा दुष्परिणाम मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। ये जो चीजें हैं अभी हाल ही में किए गए कुछ रासायनिक विश्लेषण से मिला है, तो यह जो माहिती थी इसको मैं यहीं पर विराम दूंगा, और अब थोड़ी सी बात आपको मैं बीमारियों के बारे में आपसे करना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो तो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बीमारियों पर मैं चर्चा करूं। मुझे जो माहिती मिली है आपके इस कोंकण क्षेत्र का, मैं अपने जीवन में पहली बार इस मैं कहूं तो ये स्वर्य तुल्य भूमि, अगर कहूं तो यह जो कोंकण क्षेत्र है ऐसा स्वर्ग तुल्य भूमि में मैं पहली बार कल आया, और आने के बाद जो मेरे साथियों ने जो थोड़ी बहुत माहिती मुझे दी उसमें से जो चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पर अर्थराइटिक्स नाम की बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों को है। हाँ, घुटना दुखने का, गोड़ा दुखना जिसको शायद मराठी में आप कहते हो, ये इसकी सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर है, और 35-40 साल की उम्र के बाद लोगों के शरीर से लुब्रिकेंट सूखने का बड़ी तेजी से ऐसा चल रहा है इन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं बात यहीं से शुरू करूंगा कि अगर आपके शरीर में लुब्रिकेंट सूख जाए और अगर आपके घुटने दुखने लग जाएं, घुटने की हड्डियां अगर घिसने लग जाए, कंधे की हड्डियां घिसने लग जाए या केहुनी की हड्डियां घिसने लग जाए, ऐसा कुछ हो तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। बिल्कुल ये सरल है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और इसमें कभी भी घुटना कटवाने का काम मत कीजिएगा। घुटना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंगों को काटना हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे नीच दर्जे का काम माना जाता है।
अगर किसी व्यक्ति को अगर नीच दिखाना है तो उसके अंग काट लिए जाते हैं, मारा नहीं जाता है। अंग काटना तो हमारी संस्कृति में मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड है। तो ऐसा दंड चिकित्सा के नाम पर आप कभी मत लीजिए। गाय बड़ी सरलता के साथ जो है हमारे शरीर में लुब्रिकेंट उत्पन्न कर देती है। इस विषय पर मैं बात करूं, इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख जाता है। आज से 30-40 साल पहले हमारे शरीर में कभी भी लुब्रिकेंट नहीं सूखता था। हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी स्तर के लोग हैं, दादी जी स्तर के जितने लोग हैं, उनकी आयु 80-85 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उनके घुटने हम लोगों से अच्छे हैं। सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ पाते हैं, बहुत दूरी तक पैदल चल पाते हैं हमारी अपेक्षा। तो आखिर 30-40 साल में इस पीढ़ी को हुआ क्या जिसके कारण हमारे शरीर के लुब्रिकेंट सूख गए? तो इसके पीछे एक बड़ा रिसर्च वर्क हुआ है हमारे यहाँ, और उसमें से जो चीज़ें निकल के आई कि हमारे घर में दो तरह का प्रेत है। प्रेत समझते हो? भूत। हाँ, दो भूत है हमारे रसोई घर में। इन दो भूतों के प्रभाव के कारण ही हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ भारत के लोगों को कि इन दो भूतों को रसोई घर से बाहर निकाल दो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बहुत सारे रसोई घर से निकलवा करके देखा तो रसोई घर से निकला तो सारे परिवार की स्थिति सुधर गई, लेकिन जो बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए फिर गाय की मदद की जरूरत पड़ती है। और वो पहला जो प्रेत है वह रिफाइन है, हाँ, और दूसरा जो प्रेत है वह आयोडीन नमक है। इन दो प्रेत को निकाल दो बाहर। आयोडीन नमक की जगह शुद्ध भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ शुद्ध नमक खाइए। झील का नमक हो सकता है, भूगर्भ से निकाला हुआ सेंधा नमक हो सकता है, या पहाड़ से तोड़कर निकाला गया काला नमक हो सकता है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। अगर हम शुद्ध नमक खाएंगे तो हमारे शरीर में 72 तरह के मिनरल्स मिलेंगे, और उन मिनरलों की मदद से हमारे शरीर का लुब्रिकेंट नहीं सूखेगा। दूसरा जो प्रेत है रिफाइन। हम रिफाइन क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं? इसलिए कि हम पहले तेल खाते थे। तेल किस लिए खाते थे? क्योंकि तेल एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, और शरीर चूंकि 24 घंटा चलते रहता है, हमारी जोड़ घूमते रहते हैं, मैं बात भी कर रहा हूं तो ये जबड़े घूम रहे हैं, इन दो हड्डियों के बीच में लुब्रिकेंट है, इसलिए मैं इतनी देर तक आपसे बात कर पा रहा हूं। लंबे समय तक मैं चल सकता हूं क्योंकि हमारे घुटने में लुब्रिकेंट है, और यह लुब्रिकेंट मिलता है तेल से। तो 30-40 साल पहले के भारत में हम भारतवासी भरपूर तेल खाते थे, हाँ, जब देखो छक के तेल खाते थे, हाँ, हर 3-4 महीने पर एक, और उसमें तेल में पकवान बना और छक के तेल खाए। ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे देश में, गर्मी के कारण हमारे शरीर का लुब्रिकेंट सूख जाता है। गर्मी का मौसम खत्म होता है फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु में जो है सो बचा हुआ जो लुब्रिकेंट है वह भी खाली हो जाता है। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है दीपावली आता है, और दीपावली में हम क्या करते हैं, खूब तेल खाते हैं, खूब तेल में बना हुआ पकवान है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, और आपके यहाँ जितना कुछ पकवान महाराष्ट्र में बनता होगा छक के खाते हैं। यह जो पकवान खाने की जो कला है यह शरीर को लुब्रिकेंट देना है। ठंडी, उसके बाद ठंडी आती है, शीत ऋतु आता है, शीत ऋतु में लुब्रिकेंट का गुण है जम जाना। तो नवंबर दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ती है, हमारे शरीर का लुब्रिकेंट जम जाता है। जैसे ही शीत ऋतु खत्म हुआ होली आ गया, फिर खाओ पुआ पकवान छक करके, फिर शरीर को लुब्रिकेंट मिल गया। शरीर को दो बार भरपूर लुब्रिकेंट मिलता था। तो किसी भी व्यक्ति का भारत तेल हृदय के लिए बहुत ही उत्तम औषध है, हाँ,
और थोड़ा अगर डर लगे तो तेल की जगह फिर घृत खाओ, तूप खाओ आप, उसमें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ये दो काम कर लीजिए, धीरे धीरे शरीर को लुब्रिकेंट मिल जाएगा और धीरे धीरे ये जो घुटने का दुखन है ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक प्रश्न करोगे जी कि 10 साल से खाकर सुखा लिया है, इसको क्या करें? तो इसमें गाय मदद करेगी। हमारे देश में प्रकृति ने एक बहुत अच्छी वनस्पति दी है, उस वनस्पति को पारिजात कहते हैं। हाँ, आपके यहाँ मराठी में क्या कहते हैं सुभाष? पारिजात, आप सभी जानते हो। पारिजात अद्भुत वनस्पति है, उसकी पत्तियों में छिपा हुआ लुब्रिकेंट हमारे शरीर के लुब्रिकेंट के बिल्कुल बराबर होता है। तो हमने क्या किया है कि पारिजात की पत्तियों के साथ गौमूत्र का कॉम्बिनेशन बना करके पारिजात युक्त गौमूत्र अर्क तैयार किया है। ऐसा अर्क अगर आप 4 महीने तक लगातार पी लेंगे, कुछ कुछ मरीजों के लिए 2 महीना, 3 महीना और अधिक से अधिक 4 महीने, 4 महीने तक अगर आपने लगातार सेवन कर लिया तो आपके शरीर में या किसी मरीज के शरीर में भरपूर लुब्रिकेंट बन जाता है। इतना ज़्यादा लुब्रिकेंट बन जाता है कि जो 2 हड्डियाँ घिस गई थी और घिसन के कारण जो दर्द था, इसके बीच में लुब्रिकेंट की एक परत आ जाती है और घिसावट के कारण आने वाला दर्द 80-90% तक अनुभव नहीं होता। और पिछले लगभग 7-8 साल पहले जिन लोगों के घुटने बैठ गए थे उन लोगों को पारिजात मिला हुआ गौमूत्र अर्क दिया है, अभी तक रीअकरेंस नहीं हुआ है। इसमें कोई लंबा इतिहास तो नहीं है कि जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन लगभग 8 साल का हमारे पास है रिकॉर्ड्स कि 8 साल पहले जिन मरीजों की चिकित्सा हमने इस विधा से की है वैसे मरीज को दोबारा घुटने का दर्द शुरू नहीं हुआ है। शायद यह और लंबे समय तक चलेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। अब आप इसमें से अगर एक सवाल करोगे कि जी यह औषध मिलेगी कहाँ, तो मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आपके पास आपके कुंकन के प्रजाति की गाय है, गाय अगर है, यहाँ की कौन सी गाय है? मलेनाड गिड्डा, कोंकण गिड्डा। तो जो कोंकण गिड्डा है आपके यहाँ की, ऐसी गाय अगर आपके पास है तो उसका मूत्र लीजिए और उसके मूत्र को लेकर हारशिंगार के, ये माफ़ करना, पारिजात के पत्ते के रस को निचोड़कर इसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर तक उबालिए और उससे जो काढ़ा बनता है इस काढ़ा का सेवन करो आप, किसी भी वैद्य की ज़रूरत नहीं है। चूंकि अभी बहुत कम गवसिद्धर हैं, पूरे भारत में अभी तक हमने 500 गवसिद्धर तैयार किए हैं और 127 करोड़ जनसंख्या में ये बिल्कुल राई के दाने से भी कम हैं, तो चूंकि सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा इसके लिए मैंने सीधा ये फार्मूला आपको बताया है। अगर आपके पास गाय भी नहीं है तब भी एक उपाय है, आप शाम के समय में सूरज ढलते समय में पारिजात के पौधे के पास जाइए और उसकी 5 बड़ी पत्तियां तोड़कर लाइए, घर में शाम में पीसकर उसकी चटनी बबनाइए, उस चटनी को 4 गिलास पानी में डालिए, धीमी आंच पर उबालिए, जब यह पानी कम होकर 1 गिलास बच जाए तब 1 गिलास में छानकर इस पानी को भरिए और फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, अंदर नहीं रखना, फ्रिज के ऊपर रख दो और सुबह जब आपका पेट खाली हो जाए तो दांत साफ करने से पहले इस पानी को घूट घूट करके पी लीजिए। कितने दिन तक पियोगे? 40 दिन तक पी लीजिए, आपके शरीर में पर्याप्त लुब्रिकेंट बन जाएगा, आपको किसी भी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक खामी है, खामी यह है कि इस तरह से बना हुआ लुब्रिकेंट 1 साल से ज़्यादा शरीर में काम नहीं करता। लेकिन इसी पारिजात की पत्तियों को अगर गौमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन करके औसत तैयार किया जाए तो अभी तक का जो रिकॉर्ड्स है वो बताता है कि 8 साल हो गए अभी तक रीअकरेंस उनको नहीं हुआ है। तो अर्थराइटिक्स की बीमारी से लड़ने के लिए ये सरल उपाय है, आप उस उपाय को कर सकते हैं।
इसके आगे और मैं किन बीमारियों पर बात करूं आप बताओ जी। नहीं, आपकी सवाल का उत्तर संवाद के बाद, संवाद के बाद जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि कम से कम तीन बीमारियों पर आपसे बात करूं, जिसमें एक अर्थराइटिक्स है, दूसरी और बीमारी बताओ आप जी। हाँ, डायबिटीज तो पूरी दुनिया में छाया हुआ प्रेत है, और हमारे भारत में डायबिटीज के 11.5 करोड़ मरीज हैं, ये सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, मरीज ज़्यादा हैं। तो ये मधुमेह नाम की जो बीमारी है या डायबिटीज नाम की बीमारी है, ये आती कैसे है? हाँ, पहले इस बात को समझ लें हम। अभी तक मैं भी यह कहते आया हूँ कि डायबिटीज नाम की बीमारी इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ अनाज खाते हैं, बहुत तेल की जगह रिफाइन खाते हैं, नमक की जगह आयोडीन खाते हैं, गुड़ की जगह चीनी खाते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी एक जगह पर है। मेरा एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा चीनी खाने वाला या गुड़ खाने वाला भारत में एक प्रदेश है गुजरात। अगर आपका कोई मित्र गुजराती हो तो उसकी दिनचर्या आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा गुड़ खाने वाला, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गुड़ खाने वाला, चीनी खाने वाला, मीठी वस्तु खाने वाला अगर प्रदेश है तो वह है पश्चिम बंगाल। तो सवाल यह है कि क्या सारे गुजरातियों को डायबिटीज है या सारे बंगालियों को डायबिटीज है? दूसरी एक जो बात आती है सामने कि चावल ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ की बीमारी होती है। मैं जिस प्रदेश से हूँ, तमिलनाडु, और मेरा जो पड़ोसी राज्य है केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी है, इन पांच प्रदेशों में केवल चावल ही खाया जाता है। मैं सुबह अगर नाश्ता करने की ज़रूरत पड़ी तब भी चावल, दोपहर में भोजन की ज़रूरत पड़ी तब भी चावल, शाम में नाश्ते की जरूरत पड़ी तब भी चावल, रात्रि भोजन तब भी चावल, चावल ही चावल। तो क्या हम सारे मद्रासियों को या तमिलियन को डायबिटीज है, या सारे कन्नड़वासियों को डायबिटीज है, या सारे केरलियन को डायबिटीज है? केरल में आप चले जाओ, आपको वहां रोटी देखने को भी नहीं मिलेगा, और भाखरी की तो कल्पना ही छोड़ दो, आप स्वप्न में भी नहीं आने वाला। हम दक्षिण भारत के लोग 24 घंटे जब भी कुछ खाना हो चावल ही खाते हैं। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, सबसे कम डायबिटीज दक्षिण भारत के लोगों को है, और हमारे डॉक्टर जो कहते हैं कि डायबिटीज हो गया तो चावल नहीं खाना, केवल रोटी खाना। तो आपको एक जानकारी दे दूं, भारत का जिस जिस प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं खाने वाला है उसी प्रदेशों में डायबिटीज सबसे ज्यादा है। राजस्थान डायबिटीज नंबर 1, मध्य प्रदेश डायबिटीज नंबर 2, महाराष्ट्र 3 पर तो नहीं है लेकिन यहां भी बहुत ज्यादा डायबिटीज है। तो इसमें से जो एक जानकारी निकल के आती है कि डायबिटीज का मूल कारण चावल नहीं बल्कि गेहूं है। तो मैंने अपने मरीजों को कहा कि गेहूं कभी मत खाना। एक साथ हमारे चिकित्सालय में 100 से ज्यादा डायबिटीज के मरीज होते हैं जिनकी चिकित्सा चलती है, और इन सभी को मैं प्रिस्क्रिप्शन पर लिख करके देता हूं कि गेहूं कभी मत खाना, केवल चावल खाना, और चावल खाते खाते 3 साल में डायबिटीज जड़ से खत्म हो गया। आप चौंकोगे, ऐसा कैसे? तो आपको एक जानकारी दे दूं, अपने थोड़े से इतिहास के पन्नों को उलट करके देखो, ज्यादा नहीं 100 साल पुराने पन्ने को, जब से भारत देश में गेहूं आया है तभी से डायबिटीज की बीमारी भी इस देश में आई है, यह कड़वा सत्य है। और अगर डायबिटीज की कोई अच्छी दवा अगर दुनिया में है तो वह है चावल। चावल डायबिटीज की सबसे अच्छी दवा है। और
मैं ये मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि मेडिकल काउंसिल के वैज्ञानिकों ने ही ये स्टेटमेंट जारी किए हैं, रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज, लाल चावल मधुमेह की सबसे अच्छी दवा है। लाल चावल का तात्पर्य क्या है? चावल का लाल होना या उजला होना विषय नहीं है। लाल चावल जो स्टेटमेंट है उसके पीछे का जो सत्य है वो ये है कि चावल बिना पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। चावल का जो ऊपरी परत है इस परत में शिव तत्व होता है। हाँ, जो बिग बैंग थ्योरी जो आपको बताया कि हाइड्रोजन के एटम्स प्रोटॉन्स जब तीन खंडों में टूटे तो उसमें से तीन चीजें निकली, एक शिव पार्टिकल्स, एक विष्णु पार्टिकल्स और एक ब्रह्म पार्टिकल्स। ये तीन पार्टिकल से ही ये पूरा शरीर चलता है। तो उसमें से जो चावल का जो ऊपरी लेयर है उस लेयर में शिव तत्व है, और हम सभी भगवान शिव को जानते हैं कि शिव एलिमेंट्स जो है वो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाला तत्व है। तो अगर चावल के ऊपरी लेयर को घिस कर निकाल दो आप तो सुरक्षा चक्र तो खत्म हो गया। फिर ऐसा चावल खाएंगे तो मधुमेह तो होगा ही, हमारे शरीर के अंदर के इंसुलिन का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा ही। लेकिन चावल को अगर हम संपूर्ण रूप में खाएं तो यही चावल जो है हमारे शरीर के अंदर के इंसुलिन के संतुलन को बनाने का काम करता है। तो हमारे पास खाने के लिए अगर गेहूं बंद करें तो क्या है? बाजरी है, जवारी है, रागी है, क्या नहीं है इस देश में, जौ है, मक्का है। एक गेहूं को छोड़ो पांच विकल्प निकल करके आएगा। और हमने ये सारे मरीजों पर ये इसका एप्लीकेशन करके देखा, सारे हमारे यहाँ के सारे मरीजों को मैं सबसे पहले गेहूं बंद कराता हूँ, और अगर उनका रोटी खाने का मन है तो कहता हूँ जवारी का रोटी खाओ, बाजरी का रोटी खाओ, रागी का रोटी खाओ, मकई का रोटी खाओ, जौ की रोटी खाओ, और कभी भी इन सबको मिला के मत खाओ। एक और संशय है बाजार में मिलाकर खाने की, तो इससे बचो। आज जवारी की रोटी खा लो, कल बाजरी की खा लो, परसों मकई की खा लो, फिर इसके बाद रागी का खा लो, एक एक करके खाइए, बदल बदल करके खाइए, और कम से कम एक बार बिना पॉलिश किया हुआ चावल जरूर खाइए। अगर ऐसा आपने किया और अपने भोजन को अगर शुद्ध काली मिट्टी के बर्तन में अगर आपने पकाया, और ऐसा अगर 3 से 4 साल तक आप अपने जीवन में अगर आपने कर लिया, तो इस मधुमेह नाम के प्रेत को भगाने के लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब काली मिट्टी, प्रदूषण वाली मिट्टी मिलती है, अच्छी मिट्टी नहीं मिलती जिससे कि आप बर्तन बना सको, तो गाय है जो मिट्टी का कन्वर्शन करके गोबर के रूप में देती है। और हमारे देश में एक वनस्पति है, बहुत ही अद्भुत वनस्पति है, उसका नाम है सप्तरंगी। यह जो सप्तरंगी वनस्पति है इसका अगर गौमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन कर करके और अर्क बना दिया जाए, और ऐसा अर्क अगर कोई भी डायबिटीज का मरीज 3 साल तक लगातार वैद्य की सलाह के अनुसार से अगर सेवन करता रहे तो जड़ मूल से यह मधुमेह खत्म हो जाता है। बहुत सारे मरीजों का जड़ मूल से मधुमेह खत्म हो गया, अब उनको कोई भी औषधि नहीं चलती है। और इसमें से अभी 15 दिन पहले जो एक नई चीज निकल करके आई है, और इस विषय में मैं पहली बार मैं बात कर रहा हूँ कि यह जो मधुमेह नाम की बीमारी है, इस बीमारी के पीछे एक बड़ा कारण है एकल परिवार। जब तक भारत में संयुक्त परिवार था तब तक मधुमेह नाम की बीमारी नहीं थी, और जब से हमारे देश में एकल परिवार का समय आया है तभी से जो है मधुमेह नाम की बीमारी ग्रसित हुई है। मधुमेह नाम की बीमारी का बड़ा गहरा संबंध एकल परिवार के साथ। एकल परिवार आप समझते हो कि कोई भी युवा की शादी हुई और वह पत्नी को लेकर के अकेला जीवन जीने के लिए चला गया, माँ बाप को छोड़कर, दादा दादी को छोड़कर
अकेला जीवन जीने के लिए चला गया, ऐसे लोगों को ही मधुमेह की बीमारी हो रही है। लेकिन आज भी जो परिवार संगठित है, संयुक्त रूप में है, माँ पिता के साथ जो बच्चे हैं, दादा दादी के साथ जो बच्चे हैं, यह जो परिवार का एक माहौल बनता है, दादा दादी का प्यार जो है पोते पोतियों को, पोते पोती का दादा के साथ संबंध, माँ पिता के साथ संबंध, ये जो रिलेशंस है, रिलेशनशिप है, ये अगर टूटता है तब इसमें से मधुमेह नाम की बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है। तो अगर इससे बचना है तो फिर से एक बार संयुक्त परिवार में रहने की कल्पना कर लो आप, ये मधुमेह नाम का प्रेत आपको छू भी नहीं सकता है। महर्षि वाघभट गोशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र, संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बने।